गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द आईकॉन प्रेप स्कूल साइंस क्लासेस, दिस ऑनलाइन साइंस क्लासेस इन द लेसन 4 चैप्टर नंबर ऑल्सो नेम हेयर मेटल्स एंड नन मेटल। नाउ वी स्टार्ट। इन प्रीवियस डे यू स्टडी अबाउट मेटल एंड नन मेटल्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ वी डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वह मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन हर मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट वे में होता है। कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एज सिंपल कंडीशन में वह मेटेलिक ऑक्साइड बना लेता है और उसमें हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे आपका बोर्ड पर दिया हुआ है सोडियम का रिएक्शन, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मेटेलिक ऑक्साइड एंड मेटेलिक ऑक्साइड। इन दिस केस यू सी एग्जांपल ऑफ सोडियम, व्हेन सोडियम इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। सिंबल ऑफ सोडियम Na एंड सिंबल ऑफ ऑक्सीजन O2। देयरफॉर Na प्लस O2 टू फॉर्म Na2O। Na2O इज प्रोडक्ट एंड इट इज नोन सोडियम ऑक्साइड। देखते हैं कि जब सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, और इसी का अगर हम एग्जांपल चेंज करें तो सोडियम के जगह पर हम अगर पोटासियम लेते हैं तो पोटासियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटासियम ऑक्साइड। तो आप कोई भी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराइएगा तो वह मेटेलिक ऑक्साइड देगा, लेकिन जो नोबल मेटल है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, या जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं करता है, इसके लिए हमें हीट देना पड़ता है, और तब वह कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। इन सेकेंड केस मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4 टू फॉर्म ZnSO4 प्लस H2। हेयर जिंक इज ए मेटल, इट रिप्रेजेंट बाई Zn, एंड एसिड इज H2SO4, इट इज ऑल्सो नेम केमिकल ऑफ किंग ऑफ केमिकल्स, दैट मीन्स किंग ऑफ एसिड्स। सो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। इट इज नोन एज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इट इज ए लाइटर गैस, सो इट इवॉल्वेड इन एयर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हम इस जगह दूसरे सॉल्ट का मेटल का एग्जाम्पल लेंगे तो हमारा कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करके मेटेलिक सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। इस जगह हम एग्जाम्पल बदलते हैं। सोडियम प्लस HCl टू फॉर्म NaCl प्लस H2 गैस। यहाँ सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके कॉमन सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। सोडियम क्लोराइड नोन एज कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। सोडियम मेटल है और HCl एसिड है। तो कोई भी मेटल का रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो सोडियम मेटेलिक सॉल्ट, दैट मीन्स
sodium chloride and hydrogen gas is evolved. Third example, reaction with water, यानी metal का reaction water से कराने पर यह metallic hydroxide देता है और hydrogen gas निकलती है. अब देखिए, metal आपके तीन प्रकार के होते हैं. मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जिसको हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं. कुछ होते हैं कॉमन मेटल, जिसको हम मॉडरेट मेटल कहते हैं, और कुछ को हम नोबल मेटल कहते हैं. तो वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव मेटल एज ए सोडियम पोटासियम ईजली रिएक्शन करता है, और इसीलिए हमें सोडियम और पोटासियम को रखने के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है. कंटेनर क्लोज रखना पड़ता है, उसे हम केरोसिन वायल में रखते हैं, और वह ऑक्सीजन या ए वाटर से दूर से मॉइस्चर से दूर रखा जाता है. तो सोडियम मेटल को जब हम वाटर के साथ डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. यदि हम सोडियम के जगह पोटासियम का एग्जाम्पल लें तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी. यानी पोटासियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. यहाँ आपने देखा कि सोडियम का रिएक्शन वाटर से हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना. अगर हम पोटासियम का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनता है. यानी कॉमनली मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक्साइड. द फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं रिएक्शन विथ बेस. यानी कोई भी मेटल को रिएक्शन जब हम बेस से कराते हैं तो वह मेटेलिक बेसिक सॉल्ट बनाता है, और यह कॉमन मेटल आपका रिएक्शन नहीं करता है. जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उसका सॉल्ट लेते हैं, और जो मॉडरेट मेटल होते हैं फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम एंड जिंक, तो उसका रिएक्शन होके आपका सॉल्ट बनता है. फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस. यहाँ पर एल्युमिनियम एक मॉडरेट मेटल है, दैट मीन्स मिडिल क्लास का मेटल है. या ना तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, या बीच का मेटल है. उसे हम हाईली रिएक्टिव और हाइड्रोक्साइड मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह सोडियम एल्यूमिनेट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के रूप में मिलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. इसका हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. जब हम एल्युमिनियम के जगह पर जिंक का लेते हैं ZN, तो यह जिंक एल्यूमिनेट बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2. यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम जिंकेट. यानी मेटल जब बदल देते हैं तो वह सॉल्ट भी बदल जाता है. यानी जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस. आपका दो ऐसे मॉडरेट मेटल हैं सोडियम एंड एल्युमिनियम एंड जिंक टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सोडियम जिंकेट और एल्युमिनियम जिंकेट. The last reaction is the common reaction for the metal when reaction with non-metal to with a metal to form salt.
यानी कोई भी मेटल को जब हम नन मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो वह सॉल्ट बनता है। इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें दो मेटल, एक मेटल और एक नन मेटल मिलके मेटेलिक सॉल्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल, जब हम सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। अगर हम इस जगह मेटल बदल देते हैं तो सॉल्ट भी बदल जाता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब आप इन पांचों रिएक्शन को अपने नोटबुक में लिख लें और इसको रिवाइज करना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, द चैप्टर्स ऑफ द नेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नन मेटल। फर्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब हम नन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो वह नन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कार्बन इज हीटेड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप कार्बन को यानी कोयला को आप जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, C+O2CO2। हेयर कार्बन रिप्रेजेंट बाय C, प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। Another example, when H2+O2 to form H2O. Here hydrogen non-metal react with oxygen to form non-metallic oxide, water. आप देख रहे हैं कि कोई भी metallic oxide बनता है तो वह basic nature का होता है। कोई भी non-metallic oxide बनता है तो वह एसिडिक नेचर का होता है। इसके जांच के लिए हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं, और कोई भी नन मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ डिजॉल्व कराते हैं उसमें ब्लू लिटमस डालने के बाद वह रेड कलर में बदल जाता है। व्हेन नन मेटेलिक ऑक्साइड ऑक्साइड इन डिजॉल्व विथ वाटर, इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन CO2+H2O form H2CO3, and H2CO3 plus litmus solution to give red color on litmus paper. यानी जब आप कोई भी non-metallic oxide को
वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा तो वह एसिड का फॉर्मेशन देगा, और एसिड बनने के बाद उसके जांच के लिए जब हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एसिड में डालते हैं या ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डालते हैं तो लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है, जिससे पता चलता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का होता है। प्लीज नोट्स ऑन द नोटबुक्स। सेकेंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन, नॉन मेटल का जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो वह एसिड का फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोजन का क्लोरीन से रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अगर इस जगह हम दूसरा लेते हैं कोई भी नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड, यानी नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके आपका एसिड का फॉर्मेशन करता है। थर्ड प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एनोदर मेटल, जब हम रिएक्शन नॉन मेटल का मेटल से कराते हैं तो वह सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल Br2 प्लस K2 फॉर्म 2KBr। हियर ब्रोमीन इज नॉन मेटल एंड पोटासियम इज मेटल टू फॉर्म पोटासियम ब्रोमाइड। फोर्थ रिएक्शन विद वाटर, जनरली नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, कभी रेयर केस में मेटल वाटर से रिएक्शन कर भी जाता है तो उस जगह आपका सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। तो आपने देखा कि नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी से थोड़ा हटकर होता है। मेटल का प्रॉपर्टी आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में आता है, नॉन मेटल्स वीक फॉर्म में आता है। आपने यह भी देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, जो नेचर में बेसिक होता है या रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। उसी जगह जब हम नॉन मेटल का रिएक्शन कराते हैं वह ऑक्सीजन के साथ तो वह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देता है, और यह एसिडिक नेचर का होता है या ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। जब हम वाटर का रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जबकि नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन बहुत कम मात्रा में करती है। आपने यह भी देखा कि मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल से कराने पर सॉल्ट बनता है, जबकि नॉन मेटल का रिएक्शन मेटल से होने पर भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। थैंक्स एंड गुड।